हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रीशिता शो। आज बात करने वाले हैं हम डेट्स के बारे में, यानी कि खजूर के बारे में, कि बच्चों को वो कौन सी एज से आप दे सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, देते टाइम किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस सब के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ पोस्ट होते हैं चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करेंगे आज खजूर के बारे में, यानी डेट्स के बारे में। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको बच्चे को कोई चीज़ देना होता है स्टार्टिंग में, जैसे 6 मंथ्स के बाद जब वो सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करता है, तभी हमको हर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होती है। बट क्योंकि कई बार एज ए न्यू पेरेंट, कई बार आपका फर्स्ट बेबी होता है, तो एज ए न्यू पेरेंट आपको थोड़ा सा टेंशन होती है कि ये वाला जो फूड है वो बच्चे को कौन सी एज से देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो हर एक फ्रूट वेजिटेबल या हर एक फूड आइटम के साथ में आपको प्रॉब्लम आएगा। और हमने कोशिश की है कि हर एक फ्रूट वेजिटेबल या जो भी फूड आप बच्चे को देते हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। आज हम बात कर रहे हैं खजूर के बारे में, यानी डेट्स के बारे में, कि कौन सी एज से आप बच्चे को दे सकते हैं। अब क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है, तो बच्चे को देना चाहते हैं हम। तो यहाँ मैं सबसे पहले एज की बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बच्चा आपका कौन सी एज में है जब आप खजूर बच्चे को दे सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बेनिफिट्स और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं एज की बात करती हूँ। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जब आप बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करते हो, जो कि यूजुअली 6 मंथ्स पे स्टार्ट होती है, तभी से खजूर आप बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद काफ़ी कम ऑप्शंस हमें मिलते हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। तो खजूर एक ऐसी चीज़ है जो 6 मंथ्स के बाद हम बच्चे को दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए। अब किस तरीके से देना है उसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 6 मंथ से आप बच्चे को दे सकते हैं। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब भी देना है खजूर ही नहीं, कोई भी चीज़ जो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में देना है, कम क्वांटिटी में देना है। या पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं, सपोज़ मैं हर चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे बच्चे को दाल का पानी आप स्टार्ट कर रहे हो, चावल का पानी स्टार्ट कर रहे हो, या खिचड़ी स्टार्ट कर रहे हो, या कोई भी फ्रूट स्टार्ट कर रहे हो। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा जब धीरे धीरे खा रहा होता है ना, तो बच्चे को टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को अच्छा लग रहा है उसको खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। आप खजूर के साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसे आपने सिरप वगैरह बनाया बच्चे को, क्योंकि वो मीठा होता है बच्चे को अच्छा लगेगा, और हो सकता है बच्चा 3-4 स्पून एक बार में ले ले। आपको हमेशा आपके पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को ध्यान रखें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कम क्वांटिटी में देना है कोई भी चीज़, मतलब 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा एकदम से मत दीजिए। उसके बाद में बच्चे का बॉडी का रिएक्शन देखिए कि बच्चे की बॉडी में वो डाइजेस्ट हो पा रहा है, बच्चे को वो पर्टिकुलर फूड आइटम खाने के बाद या खजूर खाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। थोड़ा सा आपको एलर्जिक साइन का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अब खजूर से बच्चों में एलर्जी होती नहीं है, बट कई बार क्या होता है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, कुछ केसेस में हो भी जाती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप दे दोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। स्मॉल क्वांटिटी के बाद में भी 2-3 दिन देखिए, पहले तो 24 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा देखना है, और फिर भी 2 से 3 दिन तक देखना है कि कुछ एलर्जिक साइन तो नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कोई डायरिया, कोई रैशेज, बच्चे को पेट में दर्द, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। खजूर के साथ भी आप ऐसा ही है, आपको कम क्वांटिटी में देना है और फिर बच्चे के बॉडी का रिएक्शन देखना है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप खजूर आप देखोगे कि एक तो स्टीम्ड डेट्स आते हैं जो थोड़े गीले गीले से सॉफ्टी से होते हैं, एक खजूर आता है जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। अब बच्चे को कौन सा देना है, बच्चे को ड्राई वाला बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को खाने में वो प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। वो ड्राई वाला अगर आप पानी में भिगो के रख देते हो ना, तो भी सुबह तक भी आप उसको मैश वगैरह करते हो तो आप देखोगे कि वो ठीक से मैश नहीं हो पाता है। अच्छा है कि जब आप स्टार्टिंग में बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जो स्टीम डेट्स होते हैं, जो थोड़े से सॉफ्टी होते हैं, जो इजीली मैश हो जाते हैं, वो आप बच्चे को दीजिए। उसका भी ऊपर से छिलका उतारना ज़रूरी है, और जो अंदर का पल्प होता है उसी से आपको वही बच्चे को देना है। अब वो चाहे सिरप फॉर्म में दें, चाहे आप प्यूरी बना के दें, वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे भी आपका बच्चा इस टाइम पे फूड ले रहा है, मतलब मैशी फॉर्म में ले रहा है तो मैशी फॉर्म में दे सकते हैं, और लिक्विड फॉर्म में ले रहा है तो लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। बट छिलका को अच्छे से उतार दीजिए, ड्राई वाला नहीं देना है, स्टीम डेट्स ही देना है, उसका ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि डेट्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फेट ऐड करते हैं।
अब आपके बच्चे को, आपका जो बच्चा है, कई बार क्या होता है कि सल्फेट से एलर्जिक होता है, हालांकि बहुत कम बच्चों के साथ में ऐसा होता है, बट पेरेंट्स को ये बात पता होती है। तो अगर सल्फेट एलर्जिक है आपका बच्चा, तो प्लीज़ खजूर बच्चे को नहीं दीजिए, क्योंकि उसमें सल्फेट जो है डला होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन रिच होता है इसमें, आप देखोगे कि पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, और भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पोटेशियम हम देखोगे कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो इस टाइम में बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बच्चे को ये आपको ज़रूर देना चाहिए। बच्चे के लीवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, अब इसमें फाइबर भी होता है, तो बच्चे के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी रिलीफ देता है बच्चे को, तो खजूर आपको बच्चे की डाइट में जो है ऐड करना चाहिए। आयरन रिच होता है, और इस टाइम पे हम कहते हैं बच्चों को, अब क्योंकि सॉलिड की जर्नी आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आयरन रिच फूड के लिए बच्चे को बोला जाता है, तो खजूर में भी आयरन भरपूर होता है, तो खजूर आप बच्चे को जो है दे सकते हो। गैस वगैरह का प्रॉब्लम बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो खजूर बच्चे को दीजिए, बच्चे को गैस से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ ये देता है। उसके अलावा बच्चे को अगर फीवर या स्मॉल पॉक्स का प्रॉब्लम हुआ है, तो उस टाइम पर भी खजूर आपको ज़रूर देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है उस टाइम पर भी, उसको कम करने में, फीवर को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है खजूर, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को देना चाहिए। बच्चे के दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा होता है, बच्चे के मसूड़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है, जब बच्चा छोटा है आप सिरप फॉर्म में दे रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा है, बच्चा चबा के खा रहा है उसको, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा चबा के खा रहा है उसके बाद में तो थोड़ा सा पानी पिलाइए, या फिर थोड़ी देर के बाद हल्का ब्रशिंग कर दीजिए, या फिर फिंगर से भी थोड़ा सा टीथ को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि खजूर आपको बताया कि दांत में चिपक जाता है। अब हम बड़े हैं, हम तो कैसे तैसे करके पानी वगैरह पी के उसको निकाल लेते हैं, बट बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता है, बच्चे उसको निकाल नहीं पाते हैं, फिर बच्चों को इरिटेशन भी होती रहती है, और बच्चे के दांतों में प्रॉब्लम होने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। आप देना कैसे खजूर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वांटिटी की, मैंने पहले भी कहा कि कम क्वांटिटी देनी है, आप कितनी देनी है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप जब भी शुरू कर रहे हैं, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, 6 मंथ्स का है, तो आधा खजूर ही काफ़ी है। अब आप डेफिनेटली उसका थोड़ा सा सिरप बना रहे होंगे, तो जब आपका सिरप बन जाएगा तो 1 से 2 चम्मच काफ़ी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा थोड़ी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, 1 खजूर पे आ सकते हैं। फिर जब बच्चा आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, 8 to 10 मंथ पे पहुंच जाता है, या 1 साल का हो जाता है, मतलब वो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग भी है। थोड़ा सा ना अपने बच्चे को स्टडी करना होता है, अब हर बच्चा एक सा नहीं होता, हर बच्चे की बॉडी एक से नहीं होती है, तो कुछ बच्चे जो है थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, तब जल्दी उनकी बॉडी जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ बच्चों की नहीं कर पाती है। तो अपने बच्चे का आपको थोड़ा सा देखना है, मतलब आधे खजूर से स्टार्ट कराइए, फिर 1 पे आइए, और धीरे धीरे करके 2 से 3 खजूर पे आप आ सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, खजूर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका प्रॉपर ऐसे कोई स्किन नहीं होता है। अगर आप स्टीम वाला देखें भी तो एक लाइट स्किन होता है, बट फिर भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं उतर पाता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि खजूर को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितना भी उस पर डस्ट वगैरह है, जितने भी केमिकल्स लगे हुए हैं, वो अच्छे से उतर जाएं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वॉशिंग का ध्यान रखना है, और जब भी बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा भी है, तो ये नहीं कि ऐसे खजूर आप पकड़ा दें, उसको बीच में से बीच हमेशा बच्चे को निकाल के दीजिए, नहीं तो कई बार क्या है कि बीच नहीं बच्चे निकाल पाते हैं, और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ में हो जाता है। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर ये भी बात करूँगी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को नहीं पता होता कि सिरप कैसे बताना है या मैश फॉर्म में कैसे देना है। आप खजूर को लीजिए, अगर इंस्टेंटली देना चाह रहे हैं तो स्टीम्ड खजूर है भी, थोड़ा सा उसको स्टीम और कर लीजिए। कभी भी खजूर को बॉईल नहीं करना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बॉइलिंग में क्या है, वो पानी फिर सारा निकल जाता है और न्यूट्रिशन सारा उसी पानी के साथ में निकल जाता है। अब इंस्टेंटली देना है तो खजूर को हल्का सा स्टीम कीजिए, आपने पहले वॉश कर लिया है फिर स्टीम किया है, उसका छिलका उतार लीजिए। अब आपका बच्चा जैसे मैश्ड फॉर्म में खा रहा है, जैसे 7 महीने 8 महीने तक बच्चा क्या होता है मैशी फूड ले लेता है, फ्रूट ले लेता है, तो हल्का सा उसको मैश कीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं या हल्का सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो भी आपका बच्चा ले रहा होगा आपको अच्छे से पता होगा, उस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। कोई भी चीनी या गुड़ या कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल तक वैसे भी बच्चे को चीनी नमक मना होता है, तो मैशी फॉर्म में आप दे सकते हैं। बिल्कुल 6 मंथ्स पर ही देना चाह रहे हैं तो आप फिर सिरप दीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हो, खजूर को अच्छे से वॉश करके या तो ओवरनाइट उसको सोक कर सकते हो, या फिर उसको इमिजिएटली देना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्टीम और कर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद में उसका स्किन उतार के, उसका बीज निकाल के उसको अच्छे से मैश कीजिए, हल्का सा दूध या फिर जैसे ओवरनाइट आपने सोक किया था उसका जो पानी रहा होगा वो पानी ऐड करके आप ब्लेंड करके उसका सिरप बना सकते हैं, मतलब उसका जूस फॉर्म में उसको बना सकते हैं, और 1 से 2 चम्मच वो बच्चे को दे दीजिए। उस पर भी चीनी नमक कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। तो हमेशा रूल है कि कम क्वांटिटी में देना है, और जो भी
चीज़ दे रहे हैं, हमेशा बच्चे को देखना है, बच्चे की बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है बच्चे के साथ में। एलर्जिक साइंस का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों के केस में कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम से ऐसा प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। तो डेट्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास में वो आपके साथ में शेयर कर दी है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक डाइट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।